अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबको। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का आप पे बहुत बहुत करम होगा। फ्रेंड्स, आप सब के तामुन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को शौक़ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी मुझे बहुत दिल से खुशी है। और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा फ्रेंड्स। अब जो है गर्मी का मौसम आ गया है और जो है बीमारियां वगैरह भी कबूतरों में बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और आजकल जो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है वो है कि कबूतर को जो है सोखड़ा हो जाता है। सोखड़ा मुराद के उसके सीने की हड्डी निकल आती है और वो कुछ खाता पीता भी शौक़ से नहीं है। इसकी तो फ्रेंड सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके पेट में जो है कीड़े हो जाते हैं और कीड़ों की वजह से जो है तो ये खाना पीना भी कम कर देता है। और अगर ये खाए पिए ज़्यादा भी कबूतर तो इस पे जो है दाना वगैरह जो है असर नहीं करता। इसके पेट में कीड़े होते हैं, वो इससे सारी खुराक खा जाते हैं और कबूतर का जो है जिस्म बढ़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जो है तो सेंसिटिव इशू है। इससे जो है कबूतर दिन ब दिन ख़राब होता है, ठीक नहीं होता और जो है हमारे किसी काम का भी नहीं रहता। तो बहुत से लोग इस बीमारी से परेशान होते हैं। तो ये बहुत ही फ्रेंड्स मसला है कबूतरों का, लेकिन जो है इसका इलाज भी है और इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें वगैरह ट्राई की हैं तो मेरे जो है अब एक कबूतर को जो है सोखड़ा हुआ है, वो मैं न्यू ले के आया था तो उसके बाद वो सोखड़े में आया है। तो पुराने कबूतर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ठीक ठाक हैं और ये जो नया कबूतर है इसको ज़रा ये सोखड़े का मसला रहता है। तो जो है इसका जो है सीने की हड्डी निकल रही है और ये जो है तो इसका वज़न भी ज़्यादा नहीं हो रहा और इसकी सेहत भी अच्छी नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, आए मैं आपको बताता हूँ कि इसका आप लोगों ने इलाज क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने ले लेनी है ये रोटी, ठीक है फ्रेंड्स। छोटा सा पेड़ा ले लें, उसकी रोटी बना लें। और रोटी जो है कच्ची पक्की सी आपने बनानी है। और फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें जो है रोटी में नमक वग़ैरह बिल्कुल भी ना हो। नमक और सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हो गई ये रोटी घर की पकी हुई, ठीक है फ्रेंड्स। ये है तेल, ये फ्रेंड्स आम तेल नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप सरसों का तेल डाल दें, ये अचार का तेल है। देख लें फ्रेंड्स इसको गौर से, जौन से भी आपको अच्छा लगता है, जौन सा भी आप अचार यूज़ करते हैं घर में, किचन वगैरह में पड़ा होता है, ये है उसका तेल, ठीक है फ्रेंड्स। आपने ये ऐसा करना है, थोड़ा सा इस रोटी पे अचार का तेल डाल देने, ये देखें फ्रेंड्स ऐसे आपने इस पे ये अचार का तेल डाल दिया और इस रोटी को ऐसे बनाने, इस रोटी को चूरा करने इस अचार के तेल में ऐसे। देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसमें मिक्स अप करना है फ्रेंड्स। आपने इसको अचार के तेल को, अगर कम पड़ता है आपको ये अचार का तेल तो आप इसमें और भी ऐड कर सकती हैं। देखते जाएं फ्रेंड्स, ऐसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। देखें मुझे अचार का तेल कम पड़ रहा है थोड़ा सा, ये मैंने अचार का तेल थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिए और ये रोटी को मैंने चूरा कर लिया। देखें फ्रेंड्स, सही मिक्स करना है फ्रेंड्स आपने कि रोटी का जो है कोई भी ये खुशक ना बचे, ये इस बिल्कुल चूरा हो जाए इसमें ऐसे। आप लोगों ने इसको चूरा कर लेना है ऐसे, सही मिक्स ये हो गया। जैसे फ्रेंड्स आटा नहीं गूंदा जाता उस तरह का ये बन गया, ये देख लें फ्रेंड्स, सही है फ्रेंड्स। ये देखते रहें फ्रेंड्स आप लोग, मैं इसको पहले ही वो करने लगा था, फिर आप लोगों को फ्रेंड्स सही समझ ना आती
तो इसलिए जो है तो मैंने कहा वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लें, ये बहुत ही फ्रेंड्स ज़बरदस्त चीज़ है सोकड़े का। जिसके भी कबूतरों को मसले वो ऐसे करे, इसकी जो है फ्रेंड्स छोटी छोटी जो है आपने फिर गोलियां बना लेनी है ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, चार गोलियां आपने कबूतर को सुबह देनी है और चार गोलियां आपने इस कबूतर को शाम को देनी है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स 5-6 दिन के इस्तेमाल से आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, और ये बहुत ही फ्रेंड्स लाजवाब चीज़ है। और ये इससे दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा फ्रेंड्स ये है, जो आपके कबूतरों के पेट में कीड़े होंगे, जिसको सोकड़ा वगैरह होगा, तो उसके पेट से ये कीड़े भी फ्रेंड्स गिरा देगा और आपका कबूतर जो है ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह सेहतयाबी की तरफ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।